आज चुनौतियां बहुत सारी है सामने, लेकिन आज अगर बात करें गहलोत की, तो उनके मन में क्या है आखिर? गहलोत के मन में दुविधा है, दुविधा। और दुविधा किस बात की है कि मुट्ठी भर लोगों को संतुष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को मैं असंतुष्ट न कर दूं कहीं। मुट्ठी भर लोग जो सरकार से बगावत करके निकले थे, राइवल पार्टी बीजेपी को ज्वाइन करने के गेट तक पहुंच गए थे, उनकी मांगों को एडजस्ट करने के लिए मेरे जो 102 लोग हैं, 110 लोग हैं, बहुमत लोग हैं, उनकी भावनाओं को कहीं मैं ठेस तो नहीं पहुँचाऊँ। वो 102 लोग गहलोत के साथ तब तक हैं, जीना मरना उनका गहलोत के साथ तब तक है जब तक कि राइवल कैंप के लोगों की ताजपोशी गहलोत नहीं करते हैं। आप किसी को मत मनाइए, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, वो आपके साथ हैं, आधी रात को, दिन को, रात को आपके साथ हैं। लेकिन द मोमेंट उन राइवल लोगों को जो पार्टी छोड़ के गए थे, मुट्ठी भर थे, उनको अगर आप पुरस्कृत करेंगे तो ये उनका अपमान है, तो शायद हो सकता है इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएँ। एक बड़ी संख्या में पार्टी में रिवोल्ट या बगावत की स्थिति भी आ सकती है, और जेन्युइनली उस बगावत को, उस रिवोल्ट को मुझे ऐसा लगता है कि चाहते हुए भी, इन स्पाइट ऑफ विद बेस्ट पॉलिटिकल स्किल्स एंड मैन्योरिंग, शायद अशोक गहलोत इस बार उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। वो लोग खड़े हो जाएंगे, लोग कहेंगे कि गहलोत साहब के इशारे पे हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जेन्युइनली लोगों के मन में हर्ट होगा, हर्ट की फीलिंग आएगी उनको उस समय जो है। तो इसलिए ऐसा लगता है मुझे कि ये दुविधा है उनके मन में कि वो जो लोग गए थे और जो लोग मेरे साथ थे, इनमें क्या कोई अंतर है कि नहीं, या मुट्ठी भर लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए मैं इनके सेंटिमेंट को हर्ट तो नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन इस दुविधा से बाहर निकल जाएंगे, मान लीजिए 24 घंटे में राजभवन में शपथ की कुर्सियाँ सज जाएंगी।